नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का सवाल है क्वेश्चन से इज टू पोलराइड पी वन एंड पी टू आर प्लेस विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर सवाल उसके बाद क्या किया हमने अनपोलराइज लाइट आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन पी वन और थर्ड पोलराइड पी थ्री इज कैप्ड इन बिटवीन पी वन एंड पी टू सच दैट द एक्सेस मेक्स एन एंगल ऑफ़ 45 फाइव डिग्री विद पी वन सवाल ये इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू पी वन थ्रू पी टू कितनी होएगी हमारे ऑप्शन है आई नॉट बाय फोर बाय एट बाय सिक्सटीन या फिर बाय टू अगेन सिंपल सवाल है थर्टी uh, सेकेंड में सवाल हो जाना चाहिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको मैं एक बार पोलराइड्स के बारे में कुछ बताता हूँ तो आपका uh, यह मान लीजिए एक पहला पोलराइड है और uh, उस पर जब आपकी इंसिडेंट लाइट होएगी तो उससे जब भी लाइट बाहर आएगी वो आएगी आई नॉट बाई टू आई नॉट आपकी इंसिडेंट है तो वहाँ से उसकी एवरेज इंटेंसिटी जो बाहर आती है वो आई नॉट बाई टू आएगी उसके बाद अगर हमने यहाँ पे एक पोलराइड और लगाया हुआ है इसको पी वन कहते हैं इसको पी थ्री कहते हैं और मान लीजिए इसका एंगल थीटा है तो यहाँ से जो लाइट बाहर आएगी वो होएगी आई नॉट बाय टू स्क्वायर थीटा जो ये है इसकी इंसिडेंट लाइट है उसका स्क्वायर थीटा से आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उसके बाद अगर एक और पोलोराइड आपने यहाँ लगा हुआ है पी टू तो उसके बाद जो लाइट आएगी वो होगी आई नॉट बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा तो ये इंसिडेंट लाइट थी मल्टीप्लाइड बाय ये अगर थीटा वन है ये अगर थीटा टू है तो इसको थीटा वन कहते हैं ये थीटा वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा टू तो ये जो एंगल इन दोनों के बीच का एंगल है उसके का स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस यहाँ पे इतना काम करना है अपने को सो तो जो पहले इंसिडेंट है वो है आई नॉट वो यहाँ पे आपकी बनेगी आई नॉट बाई टू उसके बाद जो सेकेंड पोलराइजर से जाएगी क्योंकि इसका एंगल 45 डिग्री है इन दोनों के बीच में सो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाय टू कॉ स्क्वायर फोर्टी तो यानी कि वन बाय रूट टू का स्क्वायर सो इसकी वैल्यू बन जाएगी आई नॉट बाय फोर अब जब ये थर्ड पोलराइजर से जाएगी पहले और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है और इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री है यानी कि थीटा टू की जो वैल्यू है वो भी 45 डिग्री हो गई सो so, यहाँ पे जो आपकी लाइट आएगी वो होगी आई नॉट इसकी वैल्यू आई नॉट बाय फोर है मल्टीप्लाइड बाय कोस स्क्वायर फोर्टी ये फिर बन जाएगा सो तो इसका स्क्वायर यानी कि फाइनल फाइनल वैल्यू आ गई आई नॉट बाई एट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आई नॉट बाई एट वुड बी द राइट आंसर